दोस्तों अगर आप भी चाहते हो टीम इंडिया चौथा टेस्ट मैच जीती जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे भारतीय टीम में टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने 7 खिलाड़ियों को टीम इंडिया से बाहर किया गया है और किन खिलाड़ियों को टीम इंडिया में बेहतरीन एंट्री की है, जिसे देख हर कोई दंग रह गया है। साथ ही साथ टीम इंडिया के विकेट कीपर ईशन किशन को टीम इंडिया में जगह मिलने वाली है। दोस्तों हम आपको पूरे मैच के प्लेइंग 11 बताएंगे, प्लीज़ वीडियो में अंत तक देखें। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ कोई गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि टीम इंडिया पहले ही तीसरा टेस्ट मैच हार 2-1 की सीरीज बराबरी पे। अगर टीम इंडिया चौथा टेस्ट मैच हारती है तो सीरीज बराबर हो जाएगी और WTC के फाइनल जाने की टीम इंडिया की क्षमता लगभग कम हो जाएगी। दोस्तों इसके साथ ही टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कोई गलती न करती हुई टीम इंडिया में 7 बदलाव किए हैं। दोस्तों आपको बताएं टीम इंडिया पहले ही तीसरे टेस्ट मैच में कोई बल्लेबाजी धमाका दिखा पाई, न कोई गेंदबाजी, क्योंकि टीम इंडिया 109 रन पे सिमट गई थी। जैसे देखते ही ऑस्ट्रेलिया टीम ने माते टीम इंडिया को भयंकर बल्ले करते हुए टीम इंडिया को तीसरा टेस्ट मैच हरा दिया। जैसे देख टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भी दंग रहे, क्योंकि टीम इंडिया कोई भी बल्लेबाज 50 नहीं लगा पाया, मात्र 3650 छोड़कर टीम इंडिया कोई खिलाड़ी 250 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाया। जैसे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा कोई गलती नहीं करना चाहते और उन्होंने चौथे टेस्ट मैच को लेकर कुछ खिलाड़ियों को टीम इंडिया से बाहर दिखाया गया। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 रहेगी, टीम इंडिया की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और उनके साथी शुभम गिल करेंगे। तो एक बार फिर शुभम गिल को मौका दिया गया, कप्तान रोहित शर्मा ने उन्होंने एक बार फिर बहुत बड़ी चिंता का सबक बने हुए हैं शुभम गिल, क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर KL राहुल को टीम इंडिया से बाहर के रास्ता दिखा। इसके साथ ही टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर बसुत आए 3650 पर, उनके बाद विराट कोहली पर बहुत बड़ी चिंता सबक बने हुए हैं, क्योंकि विराट कोहली पूरी सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए, क्योंकि विराट कोहली बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, किसी भी फॉर्मेट में चौका छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं, फिर भी विराट कोहली पूरे सीजन में कोई खास नहीं कर पाए। दोस्तों एक बार फिर विराट कोहली को मौका मिलेगा, उनके बाद ही भारतीय टीम के बल्लेबाज से एक बार फिर सूर्य कुमार यादव को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा, उनके बाद श्रेयस अय्यर को मौका मिल सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर पूरे सीजन में कुछ खास नहीं कर पाए, फिर भी मौका देंगे एक बार रोहित शर्मा श्रेयस अय्यर को, उन पर भरोसा ज्यादा है टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ को। और इसके साथ ही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर विकेट कीपर की कमान सिर्फ ईशन किशन को दे सकते हैं, क्योंकि शिखर भरत ने पूरे सीजन में कुछ खास नहीं कर पाए, एक बार भरोसा जाने की चिंता करते हुए रोहित शर्मा एक बार ईशन किशन को मौका दे सकते हैं। और इसके साथ ही टीम इंडिया की ऑल राउंडर प्लेइंग 11 रहेगी। दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा रविंद्र जडेजा और उनके साथ ही आरा सन्नी और अक्षर पटेल पर बहुत भरोसा जताते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने पूरे सीजन में चौके छक्के की शुरुआत करती हुई टीम इंडिया के लिए बहुत विकेट लिए हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा रविंद्र जडेजा आरा सन्नी और साथ ही साथ अक्षर पटेल पर बहुत भरोसा जताते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल ने पूरे सीजन में बहुत धमाकेदार बल्लेबाजी की और एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा CEO मोहम्मद सिराज को एक जगह फिर हटा सकते हैं उनकी जगह। टीम इंडिया में एक बार कुलदीप यादव की एंट्री हो सकती है, क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान चाहते हैं अहमदाबाद की पिच है जो प्लेइंग 11 के लिए बहुत अच्छी रहेगी और उनके साथ ही साथ स्पिनरों की मदद मिलने वाली है, इसलिए टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा एक बार कुलदीप यादव को भी साथ कर सकते हैं। कुलदीप यादव अगर टीम इंडिया में शामिल होते तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को खेलने के लिए बहुत मुश्किल होगी और टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा कोई गलती नहीं करना चाहते, इसलिए टीम इंडिया बहुत अच्छी स्थिति में पहुँच गई। दोस्तों आप लोग क्या लगता है टीम इंडिया चौथा टेस्ट मैच जीत जाएगी या नहीं, या टीम इंडिया सीरीज बचा पाएगी या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई खास खिलाड़ी है और आप चाहते हो टीम इंडिया उस खिलाड़ी के द्वारा जीत जाएगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ लेटेस्ट की न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।